राष्ट्रपति भवन में भारत रत्न सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, कर्पूरी ठाकुर और एमएस स्वामीनाथन को मरणोपरांत भारत रत्न से किया सम्मानित। भाजपा ने चुनाव घोषणा पत्र समिति का किया गठन। रक्षा मंत्री और वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह को बनाया गया समिति का प्रमुख। 27 सदस्यों वाली समिति तैयार करेगी लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए तेज हुआ नामांकन। केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन, राजीव चंद्रशेखर और गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी भरे पर्चे। वहीं बिहार में एनडीए गठबंधन में खींचतान जारी। बीमा भारती के पप्पू यादव को गठबंधन धर्म निभाने की नसीहत। इनकम टैक्स नोटिस पर कांग्रेस और भाजपा में वार पलटवार। कांग्रेस ने कहा बार बार दिए जा रहे हैं नोटिस। भाजपा बोली कांग्रेस ने नियम कायदों की उड़ाई धज्जियां। अपीलीय ट्रिब्यूनल से कोर्ट तक साबित हो चुकी है कांग्रेस की गलती। दिल्ली पुलिस ने न्यूज क्लिक मामले में दाखिल किया पहला आरोप पत्र। पटियाला हाउस कोर्ट में दायर चार्जशीट में न्यूज क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ को बनाया गया आरोपी। प्रबीर पुरकायस्थ और एचआर हेड अमित चक्रवर्ती भी अदालत में पेश। दिल्ली शराब घोटाले में और बढ़ी आम आदमी पार्टी की मुश्किलें। ईडी के सामने पेश हुए दिल्ली सरकार के मंत्री कैलाश गहलोत। भाजपा ने दिल्ली सरकार पर फिर बोला हमला। कहा किसने कितना माल खाया सब सामने आ रहा है। और सामने आई माफिया मुख्तार अंसारी के पोस्टमार्टम की प्रारंभिक रिपोर्ट। हार्ट अटैक को बताया गया मौत का कारण। मौत की न्यायिक जांच कर रही टीम ने बांदा जेल का किया दौरा। उधर भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मुख्तार सुपुर्दे खाक। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दूरदर्शन समाचार आप देख रहे हैं और देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका। और हेडलाइंस के बाद अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे। राष्ट्रपति भवन में आज भारत रत्न सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने चार महान हस्तियों को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से आज सम्मानित किया। इसमें पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार उनके बेटे पीवी प्रभाकर राव ने प्राप्त किया। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया। ये पुरस्कार चौधरी चरण सिंह के पोते जयंत सिंह ने प्राप्त किया। इसके साथ ही राष्ट्रपति ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भी मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया। ये पुरस्कार उनके पुत्र रामनाथ ठाकुर ने प्राप्त किया। इसके अलावा राष्ट्रपति ने देश में हरित क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया। और ये पुरस्कार एमएस स्वामीनाथन की बेटी नित्या राव ने प्राप्त किया। जननायक कर्पूरी ठाकुर को आज राष्ट्रपति के द्वारा मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया और इस मौके पर उनके बेटे रामनाथ ठाकुर ने भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। कर्पूरी ठाकुर जी को भी भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया। बात करते हैं सर, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं बहुत खुश हूं भारत सरकार ने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को देखा, समझा, बूझा, मरणोपरांत उन्हें 36 वर्षों के संघर्ष के बाद भारत सरकार ने उन्हें सर्वोच्च अवार्ड देने का काम किया। मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, बिहार की जनता की तरफ से और पूरे हिंदुस्तान की शोषित पीड़ित दलित लांछित की तरफ से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं और आभार प्रकट करता हूं।
वहीं आरएलडी नेता और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को राष्ट्रपति द्वारा मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इस मौके पर उनके पोते जयंत चौधरी ने खुशी जाहिर की है। चौधरी चरण सिंह जी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया, उनके पुत्र जयंत चौधरी जी ने यह पुरस्कार प्राप्त किया। सर, क्या कहना चाहेंगे आज? परम सौभाग्य है और मेरे जीवन के सबसे खास पल आज हमने यहाँ बिताए हैं। ये सब देशवासियों के लिए समर्पित है। चौधरी साहब जिस समर्पण भाव से देश के लिए उन्होंने काम किया, देश में जो सबसे गरीब समाज, वंचित समाज के लोग थे, जो गाँव में रहते हैं, मेहनत करते हैं, उनके उत्थान के लिए उन्होंने काम किया, आज वे सब लोग गर्व महसूस कर सकते हैं। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन की बेटी नित्या राव ने अपने दिवंगत पिता को यह सम्मान मिलने पर खुशी जाहिर की है। एम एस स्वामीनाथन जी को भी भारत रत्न 2024 से पुरस्कृत किया गया। उनकी बेटी हमारे साथ हैं। मैम, क्या कहेंगे आज? नहीं, आज तो बहुत खुशी का दिन है। उनकी पूरी जीवन उन्होंने फार्मर्स के लिए, किसानों के लिए काम किया और वो चाहते थे कि भारत में फूड सिक्योरिटी हो और सब लोगों को सफिशिएंट खाना मिले। तो इस चीज़ के लिए पूरा जिंदगी, जब तक उनकी लास्ट ईयर उनकी डेथ हुई, तो वो कॉन्स्टेंटली ट्राई कर रहे थे। तो हमको बहुत खुशी है कि इसका रिकग्निशन आज मिला है भारत रत्न के रूप में। और इसी के साथ चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने न्यूज क्लिक के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया गया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉक्टर हरदीप कौर की अदालत में दाखिल इस चार्जशीट में न्यूज क्लिक के संस्थापक और प्रधान संपादक प्रबीर पुरकायस्थ को आरोपी बनाया गया है। न्यूज क्लिक पर पैसे लेकर चीन के समर्थन में प्रोपेगेंडा करने का आरोप है। आरोप है कि पोर्टल ने यह रकम विदेशी फंडिंग से हासिल की थी। फंडिंग में चीन का लिंक भी उजागर हुआ था। पोर्टल के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और एचआर प्रमुख अमित चक्रवर्ती को दिल्ली पुलिस ने आतंकवाद विरोधी कानून, गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया था। इन दोनों के खिलाफ मामला 17 अगस्त 2023 को दर्ज किया गया था। आज अदालत में प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती को भी पेश किया गया। वहीं छत्तीसगढ़ में चर्चित कोयला शराब घोटाले और महादेव सट्टा ऐप मामले में आर्थिक अपराध शाखा की टीम आरोपियों से रायपुर सेंट्रल जेल के अंदर पूछताछ करने के लिए पहुंची। ईडी के स्पेशल कोर्ट में एसीबी की ओर से 3 आवेदन पेश किए गए थे, जिसमें कहा गया था कि घोटाले में आगे की जांच के लिए जेल में बंद आरोपियों से पूछताछ करना आवश्यक है। कोर्ट ने आवेदन को स्वीकार करते हुए आरोपियों से जेल में ही पूछताछ की अनुमति दी है। शराब घोटाला मामले में सेंट्रल जेल में बंद अरविंद सिंह, महादेव सट्टेबाजी ऐप के आरोपी असीम दास, भीम यादव और सतीश चंद्राकर से पूछताछ होगी। इसके अलावा कोयला घोटाला मामले में निलंबित आईएएस समीर बिश्नोई, सूर्यकांत तिवारी, शिवशंकर नाग और नायर से पूछताछ चल रही है। एसीबी ने कोयला, शराब घोटाला और महादेव सट्टा ऐप केस में पिछले दिनों एफआईआर दर्ज की थी। इन सभी मामलों में ईडी की ओर से एसीबी को रिपोर्ट दी गई थी। कहा गया कि ईडी ने पीएमएलए के तहत इन मामलों में कार्रवाई की है। ऐसे में संभव है कि अब कार्रवाई और आगे बढ़े। और वहीं चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, इनकम टैक्स विभाग के नोटिस को लेकर कांग्रेस ने अब राजनीति तेज कर दी है। कांग्रेस ने कहा कि उसे बार बार नोटिस दिए जा रहे हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने प्रेस वार्ता करके ये आरोप लगाए हैं। हमें बार बार, कल रात को भी 2 और नोटिस मिले हमें। कल जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तब तक 4 नोटिस हमें मिले थे, कल रात को 2 और नोटिस मिले हैं और आज मैं नहीं जानता हूं और कितने नोटिस आएंगे, क्योंकि अभी तक केसरी जी के जमाने तक ही नोटिस आए हैं, उनके पहले भी कई कोषाध्यक्ष थे। और वहीं आयकर विभाग के नोटिस पर कांग्रेस की राजनीति करने के आरोप को नकारते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कानून की नजरों में कांग्रेस अपराधी है, इसलिए कानून के तहत कार्रवाई की जा रही है।
मुझे राहुल गांधी जी पर हंसी आ रही है कि जिनकी पार्टी 60 साल सत्ता में रही आज वो नियमों की कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। राहुल गांधी जी की पार्टी क्या इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करेगी? क्या वो कानून से ऊपर है? जब उनको नोटिस दिया जाए तो क्या उसमें नहीं आएंगे? और जब वो कोर्ट गए, एपीलेट ट्रिब्यूनल गए, सब जगह कांग्रेस पार्टी हारी है, सब जगह हारी है, इसलिए उनको डिमांड नोटिस निकला है। कानून की आंखों में कांग्रेस अपराधी है, कांग्रेस ने नियमों का पालन नहीं किया है, इसलिए उनको कोई राहत भी नहीं मिली। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं लोकसभा चुनावों की, यानी 24 की चुनौती की। लोकसभा चुनावों से जुड़ी खबरों में सबसे पहले बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की, जिसने चुनाव घोषणा पत्र समिति की घोषणा कर दी है। इस समिति में 27 सदस्य हैं, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। निर्मला सीतारमण को समिति का संयोजक बनाया गया है और पीयूष गोयल को सह संयोजक बनाया गया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चुनाव घोषणा पत्र समिति का ऐलान किया है। तो पीयूष गोयल को समिति के सह संयोजक बनाया गया है। चुनाव घोषणा पत्र समिति की यह घोषणा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई है और इसमें 27 सदस्य शामिल हैं। वहीं लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन का काम भी तेज हो चुका है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता वी मुरलीधरन ने आज केरल के तिरुवनंतपुरम में अटिंगल लोकसभा क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल किया है। जोधपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से केंद्रीय मंत्री व भाजपा नेता गजेंद्र सिंह शेखावत ने अपना नामांकन दाखिल किया। शेखावत को लगातार तीसरी बार पार्टी ने जोधपुर सीट से अपना उम्मीदवार घोषित किया है। पर्चा दाखिल करने से पहले उन्होंने नामांकन रैली कर संबोधित किया और इस रैली में जोधपुर क्षेत्र के सभी विधायकों सहित राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री व तिरुवनंतपुरम से भाजपा प्रत्याशी राजीव चंद्रशेखर ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। चंद्रशेखर का सीधा मुकाबला तीन बार से लगातार सांसद शशि थरूर से होगा। केरल में कुल 20 सीटें हैं और भाजपा इस बार पूरी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में उतर रही है। पार्टी को उम्मीद है कि राज्य से उसे अप्रत्याशित परिणाम मिल सकते हैं। इसके अलावा उत्तराखंड में भी चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा है। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पार्टी प्रत्याशियों के लिए प्रचार कर रहे हैं। इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री अल्मोड़ा जिले के रानीखेत पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री धामी ने अल्मोड़ा से भाजपा उम्मीदवार अजय टम्टा के समर्थन में रोड शो किया। पार्टी के अंदर हुई बगावत के बाद कांग्रेस ने कर्नाटक के कोलार सीट से उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। केवी गौतम इस सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। दरअसल इस सीट से राज्य के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री केएच मुनियप्पा के दामाद चिक्का पेदन्ना को मैदान में उतारने की तैयारी चल रही थी, लेकिन परिवारवाद के खिलाफ कांग्रेस के अंदर ही बगावत हो गई और विधायकों और नेताओं ने मोर्चा खोल दिया। भारी दबाव के चलते मुनियप्पा के दामाद का टिकट काट दिया गया है। विद्रोहियों का कहना है कि ये मुनियप्पा की पारिवारिक राजनीति के खिलाफ उनकी लड़ाई की जीत है। इंडी गठबंधन के तहत बिहार की आरा, काराकाट व नालंदा झारखंड की कोडरमा और अगियाव विधानसभा उपचुनाव के लिए आज माले ने अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। पटना में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में माले राज्य सचिव कुणाल, विधान पार्षद शशि यादव, वरिष्ठ पार्टी नेता केडी यादव और विधायक गोपाल रविदास ने संयुक्त रूप से ये घोषणा की है। भाकपा माले ने इस बार के लोकसभा चुनाव में आरा से सुदामा प्रसाद, काराकाट से राजाराम सिंह, नालंदा से संदीप सौरभ, झारखंड की कोडरमा सीट से विनोद सिंह तथा अगियाव विधानसभा के हो रहे उपचुनाव में शिव प्रकाश रंजन को अपना प्रत्याशी बनाया है।
माले नेताओं ने कहा कि बिहार की सभी 40 सीटों पर पूरी एकता व जीत के संकल्प के साथ एनडीए गठबंधन उतरेगा। पार्टी कतारों को गोलबंद करने के लिए आगामी 3 अप्रैल को पटना के गेट पब्लिक लाइब्रेरी में कार्यकर्ता कन्वेंशन भी आयोजित किया गया है। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष और कांग्रेस के दिग्गज नेता शिवराज पाटिल की बहू डॉक्टर अर्चना पाटिल चाकुरकर आज बीजेपी में शामिल हो गई हैं। डॉक्टर अर्चना पाटिल लातूर जिले का एक बड़ा नाम है, इससे बीजेपी की लातूर में ताकत बढ़ेगी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि प्रधानमंत्री के कार्यों और उनके मूल्यों से प्रेरित होकर डॉक्टर अर्चना पाटिल बीजेपी में शामिल हुई हैं। इस अवसर पर डॉक्टर अर्चना पाटिल ने कहा कि मोदी सरकार ने महिलाओं के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं, जिससे प्रेरित होकर वो बीजेपी में शामिल हो रही हैं। मैंने बीजेपी ज्वाइन की है कोई वजह नहीं, मुझे काम करना है। मैंने 30 साल सामाजिक क्षेत्र में काम किया, अब मुझे राजनीतिक क्षेत्र में काम करना है। मैंने कांग्रेस में कोई आधिकारिक तौर पे काम नहीं किया है, तो मैंने कोई छोड़ के नया कुछ नहीं किया है। ये मेरा श्री गणेश है। आज पहली बार महिला रिजर्वेशन, नारी शक्ति वंदन महाविधेयक जो उन्होंने लाया है, उससे मैं बहुत प्रभावित हुई। और वहीं कर्नाटक के 2004 से 2009 तक सांसद रहीं डॉक्टर तेजस्विनी गोड़ा जयराम रमेश और पवन खेड़ा की उपस्थिति में कांग्रेस में शामिल हो गई हैं। कर्नाटक ऑलवेज प्लेड ए वेरी वाइटल एंड हिस्टोरिकल रोल इन द लाइफ ऑफ कांग्रेस एंड कांग्रेस प्लेड वेरी वाइटल रोल इन कर्नाटकास पॉलिटिक्स। यू आर ऑल अवेयर ऑफ इट। आई एम वेरी हैप्पी टू स्पीक बिफोर यू बिकॉज दैट इज माई होम। I am from media. From media, an ordinary journalist, a honest journalist, got an opportunity through the Congress in 2004. It is Indian National Congress gave me, they picked me to fight against the former Prime Minister of India, Shri Devegowda ji in Karnataka. वहीं पप्पू यादव द्वारा पूर्णिया सीट से चुनाव लड़ने की घोषणा किए जाने के बाद पूर्णिया में सियासी हलचल तेज हो गई है। महागठबंधन की प्रत्याशी बीमा भारती ने कहा कि पप्पू यादव को गठबंधन धर्म को निभाना चाहिए और सभी दल मिल करके जो है कि मुझे कैंडिडेट बना करके महागठबंधन से पूर्णिया से चुनाव लड़ने के लिए मुझे उम्मीदवार घोषित किया है, तो सभी नेता को मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। और इस तरह से जो है कि हमारे आदरणीय पप्पू जी हैं, तो जो है कि पार्टी का उसको निभाना चाहिए। कांग्रेस में है, फिलहाल ही कांग्रेस में अपना पार्टी को विलय किए हैं और पूरे देश का लड़ाई है, पूर्णिया का लड़ाई नहीं है। तो पूरे देश का लड़ाई में इस तरह से करेंगे तो अच्छा बात नहीं है। उनसे यही हम आग्रह करेंगे, वो तो गार्जियन है, गार्जियन के तरह जो है ना फर्ज निभाने का काम करे। वहीं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख पशुपति कुमार पारस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि हमारी पार्टी रालोजपा एनडीए का अभिन्न अंग है। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे भी नेता हैं और उनका निर्णय हमारे लिए सर्वोपरि है एवं उनके नेतृत्व में एनडीए पूरे देश में 400 प्लस सीट जीतकर तीसरी बार रिकॉर्ड तोड़ बहुमत से एनडीए की सरकार बनेगी। साथ ही बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर विजय प्राप्त करने में हमारी पार्टी का पूर्ण समर्थन है और रहेगा। तो पशुपति पारस की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह पोस्ट किया गया, जिसमें उन्होंने लिखा कि माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे भी नेता हैं और उनका निर्णय हमारे लिए सर्वोपरि है। एनडीए पूरे देश में 400 प्लस सीट जीतकर तीसरी बार रिकॉर्ड तोड़ बहुमत से एनडीए की सरकार बनेगी। साथ ही बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर विजय प्राप्त करने में हमारी पार्टी का पूर्ण समर्थन है और रहेगा। तो ये थी खबरें 24 की चुनौती से जुड़ी हुई। अब रुक करते हैं अन्य खबरों का। दिल्ली शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं।
प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली सरकार में मंत्री कैलाश गहलोत से आज पूछताछ की। उनसे लगभग 5 घंटे तक पूछताछ होती रही। गौरतलब है कि कैलाश गहलोत उस पैनल का हिस्सा थे जिसने अब निरस्त हो चुकी शराब नीति का मसौदा तैयार किया था। वहीं माफिया मुख्तार अंसारी की पोस्टमार्टम की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट अब सामने आ चुकी है। इस रिपोर्ट में मुख्तार की मौत का कारण हार्ट अटैक को बताया गया है। ध्यान रहे कि मुख्तार अंसारी की मौत गुरुवार रात बांदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हो गई थी। तबीयत खराब होने की शिकायत के बाद मुख्तार को वहां पर लाया गया था। तो माफिया मुख्तार अंसारी की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो अब सामने आ चुकी है। हालांकि कई सारे आरोप इस दौरान मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर के लगे थे प्रशासन पर, लेकिन अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये साफ हो गया है कि आखिर मुख्तार अंसारी की मौत का कारण जो है वो हार्ट अटैक है। माफिया मुख्तार अंसारी को सुपुर्दे खाक करने के दौरान समर्थकों द्वारा कब्रिस्तान में प्रवेश करने के लिए बैरिकेटिंग तोड़ने से अफरा तफरी का माहौल वहां पर बन गया। इसके बाद गाजीपुर डीएम आर्यका अखौरी ने कहा कि जिन भी लोगों ने नारेबाजी की है उन सबकी वीडियोग्राफी कराई गई है और सबके विरुद्ध कार्रवाई भी करवाई जाएगी। जो कस्बे के लोग हैं वो आए हैं, वो नेचुरल है, वो आते ही, बट जिन्होंने नारेबाजी की है उन सबकी वीडियोग्राफी कराई गई है और सबके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे, क्योंकि हम बार बार अनाउंस भी कर रहे थे आदर्श आचार संहिता है तो उसके अनुरूप सबको आचरण रखना चाहिए। जिसने भी उल्लंघन किया है उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई होगी, उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। और वहीं दिल्ली शराब घोटाले मामले में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली सरकार में मंत्री कैलाश गहलोत से आज पूछताछ की है और उनसे लगभग 5 घंटे तक पूछताछ की गई है। गौरतलब है कि कैलाश गहलोत उस पैनल का हिस्सा थे जिसने अब निरस्त हो चुकी शराब नीति का पूरा मसौदा तैयार किया था। और इसी पर ताजा अपडेट देने के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता नीरज इस वक्त जुड़ गए हैं फोनलाइन पर। नीरज, फिलहाल क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में? जो मुश्किलें हैं आम आदमी पार्टी की वो लगातार बढ़ रही हैं और अब कैलाश गहलोत भी इस पूरे मामले में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। 5 घंटे तक उनसे पूछताछ हुई। देखिए, बिल्कुल 5 घंटे तक पूछताछ हुई है और कैलाश गहलोत उस कमेटी का हिस्सा थे जब शराब नीति बनाई जा रही थी। उस समय 3 लोगों की एक कमेटी बनाई गई थी जिसमें कैलाश गहलोत थे, इसके अलावा सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया। इनके जो कमेटी थी इस पर आरोप ये था कि इन्होंने उस कमेटी की रिपोर्ट को लीक किया था साउथ लॉबी को, और जिसकी वजह से फिर साउथ लॉबी ने इस फॉरेन पॉलिसी में इंटरेस्ट दिखाया और उसके बाद किस तरीके से साउथ लॉबी इसमें इन्वॉल्व हुई और साउथ लॉबी ने एक बड़ी रकम, करीब 100 करोड़ की रकम इन तक पहुंचाई जिसका प्रयोग गोवा के इलेक्शन में किया गया था। तो अब उनकी कैलाश गहलोत से इसी संबंध में पूछताछ कर रही है कि आखिर जो शराब पॉलिसी बनाई जा रही थी तो उस समिति की जो रिपोर्ट थी वो आखिर क्यों साउथ लॉबी को लीक की गई थी, उसके पीछे क्या मंशा था, किस व्यक्ति ने उनको दिशा निर्देश दिए थे कि इस शराब नीति की जो पॉलिसी है उसको लीक किया जाए, उसी को लेकर कैलाश गहलोत से आज 5 घंटे के करीब जो पूछताछ है वो हुई है। ईडी का ये कहना है कि कई सारे सवाल कैलाश गहलोत से हमने पूछे हैं और उन सवालों के जवाब कैलाश गहलोत ने दिए हैं, कुछ सवालों के जवाब अभी भी मिलना ईडी को बाकी है। इस लिहाज से कैलाश गहलोत को दोबारा भी जो ईडी है वो पूछताछ के लिए बुला सकती है। तो हम कह सकते हैं कृतिका कि आम आदमी पार्टी की जो मुश्किल है बढ़ती हुई प्रतीत हो रही है, क्योंकि पहले सत्येंद्र जैन, फिर उसके बाद आप देखिए मनीष सिसोदिया, आप देखिए संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल और अब कैलाश गहलोत भी जिनके रडार पर है, ईडी के रडार पर है, क्योंकि उस पॉलिसी का हिस्सा थे जिस पॉलिसी के तहत शराब नीति बनाई गई। आज जिस तरीके से ईडी लगातार पूछताछ कर रही है तो ऐसे में क्या और भी अन्य नाम जो हैं इस पूरे जो एक एक करके जो कड़ियां हैं वो कहीं ना कहीं खुलती हुई नजर आ रही है इस पूरे मामले की, इस पूरे घोटाले की? देखिए, बिल्कुल कृतिका आपने सही कहा कि आप अगर देखें साउथ से लेकर नॉर्थ तक ये तमाम जो कड़ियां हैं वो धीरे धीरे प्रवर्तन निदेशालय ने खोली हैं। आपने देखा भी है कि साउथ से कई लोगों को गिरफ्तार किया, बिल्कुल एक कविता को गिरफ्तार किया, इसके अलावा जो अरविंद केजरीवाल है उनको गिरफ्तार किया और अब कैलाश गहलोत, और कैलाश गहलोत से जो इनपुट मिलेगा उसके बाद दूसरे लोगों पर भी जो कार्रवाई है वो ईडी करेगी। तो आप कह सकती हैं कि दर इनकी जो कड़ियां हैं वो खुलती जा रही हैं और आम आदमी पार्टी का जो चेहरा है वो लोगों के सामने आ रहा है कि किस तरह से शराब में बड़े पैमाने पर इन्होंने करप्शन किया, उस नीति को और समिति की जो रिपोर्ट है लीक करके और साउथ लॉबी को इसमें इन्वॉल्व करके।
चलिए बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल नीरज तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ईडी लगातार पूछताछ कर रही है और इस पूछताछ में एक एक करके जो कड़ियां हैं वो खुलती हुई नजर आ रही है। हालांकि अभी आगे और भी नाम इसमें शामिल हो सकते हैं और वो भी धीरे धीरे ईडी जो है उजागर कर रही है। फिलहाल इसी के साथ मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।